फुटपाती भाई का कहना है कि सामान जो है सड़ गल गया है, तो क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक फुटपाती को सरकार 1,00,000 रुपया दे। पहले पार्ट मजदूर संघ नवादा, यानी ये मजदूर संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है भाई पर लाठी गाली और भद्दी भद्दी गालियां देने का, यहां तक कि हमारे सुनने में आए कि हमारे फुटपाती महिला को भी भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया है, डंटा बरसाने का काम किया है। जो 2,000 का सामान लाता है 3 महीना के बाद 200 का हो जाता है, लोन से लेके कर्जा से लेके जेवर बेच के अगर लगाते हैं 2,000, 5,000, 10,000 पूंजी भी लगाते हैं तो वो सड़ गल जाता है। क्योंकि अगर कोई चप्पल बेचते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचते हैं, सोल अगर जूता चप्पल आता है तो जूता चप्पल 3 महीना के बाद उसका सोल कवरना लगता है, अगर कपड़ा लाता है तो 3 महीना के बाद उसका कलर ख़त्म हो जाता है। नमस्कार, मैं दिलशाद, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं नवादा जिला में हूँ और ये हमारे पीछे देख रहे हैं पर्यटन चौक है, ये नवादा जिला के मेन मुख्यालय है, हृदय स्थल है और यहाँ पर आए दिन जो है धरना प्रदर्शन चल रहा होता है। और देख रहे होंगे हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, फुटपाथ मजदूर संघ नवादा, यानी ये मजदूर संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देख रहे होंगे लिखा है फुटपाथ दुकानदारों को बाजार से सटे नए स्थल पर स्थानांतरण कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे धरना पर बैठे, इनसे हम बात करेंगे क्या इनका मुद्दा है, क्या रीजन है जो एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। यहाँ पे जो है नवादा के समाज सेवी नेता जो है कल्लू जी भी समर्थन में है, समीमुद्दीन साहब, और बहुत सारे लोग हैं, इन लोग से जानेंगे। ये बताइए सर, किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि जो पथ कानून 2014 में बना है, उस कानून के तहत जितना भी नवादा में सर्वे किए गए फुटपाती हैं सभी को वेंडिंग जोन दिया जाए, और बसाते हुए जितना भी हमारे आमदनी होता है जहाँ पर हम बेच रहे थे पुराने स्थल पर, उतना ही स्थल नए जगह पर होना चाहिए, ताही हम उस जगह पर जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है कि कानून की जो बना है उसको धरातल पर उतारा नहीं गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो कानून, जो पथ कानून बना है उसको धरातल पर उतारने का काम करना चाहिए, और जितना भी प्रशासन है, लोकल थाना हो, डिस्ट्रिक्ट थाना हो, जो भी थाना है, उस कानून को वहाँ पर ही एक कॉपी जो है उस प्रशासन को देने का काम करें। काहे कि प्रशासन नहीं जानकारी रहने के कारण हमारे फुटपाती भाई पर लाठी गाली और भद्दी भद्दी गालियां देने का, यहां तक कि हमारे सुनने में आए कि हमारे फुटपाती महिला को भी भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया है, डंटा बरसाने का काम किया है। तो ऐसे हम प्रशासन जो हैं, हम एक दिवसीय धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि जो हमारे फुटपाती भाई पर जो जुल्म ढाए हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दिए हैं, लाठियाँ बरसाने का काम किया है, उनको पर कानूनी कार्रवाई करे। और जो हम लोगों को जो जिस तरह से जगह कह के भेजा था कि हम यहाँ पर ही डेवलप करेंगे, तो आज तक डेवलप नहीं किया है, तो लॉलीपॉप आज तक दिखाने का काम किया है सरकार ने। तो हम यही कहते हैं धारणा के माध्यम से कि जहाँ भी हमको जगह दिया जाए वो डेवलप करके दिया जाए, ना कि जहाँ पर ये हमारा सामान नहीं बिके और हमारा सामान सड़ गल भी जाए। तो जहाँ पर हमको बेचने का जो जगह दिया गया था, हमारे फुटपाती भाई का कहना है कि सामान जो है सड़ गल गया है, तो क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक फुटपाती को सरकार 1,00,000 रुपया दे, पहला नंबर। तो और दूसरा नंबर कि जहां पर ही हम लोग को वेंडिंग जोन जो है वो बना कर दे, और तीसरा कि जो भी प्रशासन जो है जो हम लोग पर लाठी डंडा किया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और ये भी शपथ ले कि आज से हम जो है हम फुटपाती भाई पर लाठी डंटा नहीं बरसाने का काम करेंगे। हम कोई चोर चिहाल नहीं हैं, हम अपना रोजी रोटी करते हैं, इंसानियत के जीते हैं, और ये रोजी रोटी का सवाल है तो हम लोग सड़क पर ही बेचते हैं, और हमसे ही सड़क शोभता है, हमसे ही बाज़ार शोभता है, और जिससे शोभता है उसे ही उजाड़ने का काम करता है। ये सरासरी पथ कानून जो 2014 का है वो सरासरा गलती है। इसीलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पथ कानून बना है उस कानून के दायरे में हमें सभी फुटपातियों को वेंडिंग जोन दिया जाए। चलिए यहाँ पे आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक तख्ती लेके हैं और लिखा है इनकलाब जिंदाबाद, यहाँ पे दूसरे तख्ती में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार होश में आओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वेंडर वाले हैं यहाँ जो गरीब मजदूर जी खा सकें,
क्योंकि ऐसे जगह इन लोगों को दे दिया गया है पुल के नीचे, जो पूर्व में जो एसडीओ थे उन्होंने वादा किया कि इनको डेवलप करके दिया जाएगा, लेकिन अब आज तक 4 साल के दरमियान में आज तक नहीं डेवलप हो पाया, नहीं वहाँ पे कस्टमर जा पाती है। जो 2000 का सामान लाता है 3 महीना के बाद 200 का हो जाता है। तो हमारे मजदूर जो वेंडर लोग हैं उनका जो भी पूंजी लोन से लेके कर्जा से लेके जेवर बेच के अगर लगाते हैं 2000, 5000, 10000 पूंजी भी लगाते हैं तो वो सड़ गल जाता है। क्योंकि अगर कोई चप्पल बेचते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचते हैं, सोल अगर जूता चप्पल आता है तो जूता चप्पल 3 महीना के बाद उसका सोल कवरना लगता है। अगर कपड़ा लाता है तो 3 महीना के बाद उसका कलर ख़त्म हो जाता है। फल लाता है तो 2 रोज के बाद फल खराब हो जाता है। तो क्या हमारे मजदूर सिर्फ पूंजी लगाएंगे उसे जगह पे बैठ के? अगर उनको बेनिफिट तो छोड़ दीजिए, इनके बीवी बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई का मुद्दा छोड़ दीजिए, जो पूंजी लगाते हैं हमारे मजदूर उसका पूंजी भी रिकवर नहीं हो पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे मजदूर फुटपाती संघ के जितने भी लोग हैं जिला में, सब लोग एक साथ अभी तक हैं और जो लोग बचे हुए वो साथ आए और आप अपना हक अधिकार के लिए आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। जिला प्रशासन इनका सही जगह उचित जगह मुहैया करे। इन लोग का डिमांड था कि जो इधर से कलेक्ट्रेट के तरफ से जाने में जो पुल के लास्ट छोर पड़ता है वहाँ पे दहना जगह पे स्थल दिया जाए, वहाँ पे वैकेंट जगह है नदी के किनारे, वहाँ पे कुछ 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट का कचरा से भरैया करवा के इन लोग को जगह दिया जाए। ये इन लोग का मांग है। इन लोग के मांग को माध्यम से हम अपने तरफ से आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो वेंडर लोग हैं वो रोड पे लगाते थे, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन इन लोग को जगह देती है लगाने के लिए, लेकिन ऐसा जगह पे देते जहाँ पे लोग आना जाना नहीं होता है। जो भी सामान लाते थे वो सड़गल जाता था, बिक नहीं पाता था, इसकी वजह से दूसरे जगह के मांग के लिए इन लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। ये वीडियो यहाँ के जो भी पदाधिकारी लोग देख रहे हैं इनकी जो मांग है उनको जो है पूरा करें, क्योंकि इन लोग इसी के सहारे यहाँ पर रहते हैं, वेंडर के साथ इनके घर परिवार चलता है। चलिए हमारे साथ बने रहे।